नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RS एनिमल प्लैनेट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो यशु भाई का कमेंट कि हमें कबूतरबाजी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप मत करें और हमारे चैनल RS एनिमल प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि कबूतरबाजी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, कबूतरबाजी की शुरुआत के लिए आपको जो है कबूतर की शुरू में नॉलेज नहीं होती कि कौन सा कबूतर जो है किस नस्ल का है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो है ज़्यादा महंगे कबूतर ना ला के सस्ते कबूतर लाएं और सस्ते कबूतरों से कबूतरबाजी जो है शुरुआत करें। तो दोस्तों, भाई कहेंगे सस्ते कबूतर कितने सस्ते हैं। तो दोस्तों, आप शुरुआत में 250 से 300 रुपये तक का कबूतर ला के कबूतरबाजी की शुरुआत करें। और दोस्तों, कोई आपका जो दोस्त है जिसको थोड़ी बहुत जानकारी हो उसको अपने साथ ले जाएं, वो जो है आपको कबूतर दिलवा देगा। तो आप दोस्तों सबसे पहले सस्ते कबूतर लाएं। और दोस्तों, आप एक जोड़ा या दो जोड़े, मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा एक जोड़ा तो नहीं, कम से कम आपको दो जोड़े लाने चाहिए। 2-3 जोड़े आप ले आएँ, आपके 2-3 जोड़े ऐसे 1200 या 1500 रुपये तक आपके 2-3 जोड़े आ जाएंगे, बढ़िया 3 जोड़े। और दोस्तों, एक पेटी ले आएँ आप लकड़ी की 6 खानों की, और दोस्तों आप ला के कबूतरबाजी की शुरुआत कर दें। तो दोस्तों, इससे आपका एक फ़ायदा होगा अगर आप सस्ते कबूतर लाओगे। तो दोस्तों, अगर मान लो सस्ते कबूतर में आपके 4 कबूतर लाए, आप अगर 1-2 कबूतर बढ़िया भी आ गए तो आपका बेनिफिट ही होगा दोस्तों, नुकसान नहीं होने का। और दोस्तों, आप शुरू में नस्लों के चक्कर में पड़ोगे, मद्रासी, पंजाबी। तो दोस्तों, नए आदमी को देखो, सब जगह नया आदमी लुटता है, चाहे वो कोई भी लाइन हो, नए आदमी को जो परख नहीं होने की तो वो मार खा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, नए आदमी को जो नस्लों के चक्कर में नहीं भागना चाहिए। अगर मान लो आप मद्रासी कबूतर लेने गए और किसी बंदे से आप मद्रासी कबूतर लेने गए और आपने उसको कहा कि भाई मेरे को मद्रासी का जोड़ा दे दो, और आपको जब पहचान नहीं होगी तो आप मद्रासी की जगह अगर मान लो गोला कबूतर का जोड़ा दे दिया उसने, तो आपके 1500 रुपये भी बेकार हो जाएंगे और आपको जो है नस्ल मद्रासी नहीं मिल पाएगी, आप गोला कबूतर बिना पहचान के ठा लाओगे। तो इससे दोस्तों आपको नुकसान ही है। तो इसलिए दोस्तों, हम अपने चैनल में आपको बता रहे हैं कि आप सस्ते कबूतर लाएं, 200-250-300 रुपये तक कबूतर, और कबूतरबाजी की शुरुआत आप कर दें। और दोस्तों, जैसे धीरे धीरे आपको नॉलेज आती जाएगी, आप कबूतर एक आधा पकड़ भी लोगे, बढ़िया कबूतर आपके पास आ जाएगा। चिड़ी मारी नहीं करने को कह रहा दोस्तों, बहुत से भाई कहेंगे चिड़ी मार तो हम चिड़ी मारी नहीं करेंगे, कबूतर खवल पाल लेंगे शौक़ से। दोस्तों, आप शौक़ से भी पालते हो तो आपकी छत पे कोई ना कोई कबूतर आके बैठ जाता है, तो जिसको आप पकड़ सकते हो, जो आपकी छत पे खुद आ रहा है दोस्तों। यानी कि आप चिड़ी मारी शुरू कर दो तो चिड़ी मारी के तो हम भी खिलाफ़ है, चिड़ी मारी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो कबूतर खुद आ रहा है कबूतरों में उसको आप पकड़ सकते हो, ना कि दूसरे की छत पर जाके आप पकड़ो कबूतर को। और दोस्तों, फिर जब आपको 5-6 महीने कबूतरबाजी में धीरे धीरे हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपको नस्लों की पहचान होनी शुरू हो जाएगी, और आप हमारे चैनल RS एनिमल प्लैनेट में भी हम हर नस्ल की पहचान दोस्तों आके आपको करवाएंगे। बस दोस्तों, हमारे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों, तो हमारा भी इससे जो है मनोबल बढ़ेगा और हम भी नई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों, आप अपने भाई को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो, आपके भाई के 1000 सब्सक्राइबर तक आप मुझे पहुँचा दो दोस्तों, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करते रहो दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात रही तो आप हमारे चैनल को देखेंगे तो आपको जो नॉलेज मिलती रहेगी नस्लों की, और आप हमारे चैनल पे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों मेरे चैनल को देखो, और भी भाई बहुत वीडियो डालते हैं, उनकी भी वीडियो देख के आप नॉलेज लेते रहो कि पंजाबी की पहचान क्या है, मद्रासी की पहचान क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको सबसे पहले सस्ते कबूतरों से ही कबूतरबाजी करनी चाहिए, ना कि जो महंगे कबूतर लाने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि कबूतर कहाँ से ख़रीदें। तो दोस्तों, कबूतर तो आप जो है बड़ी बड़ी दुकानों पे मत जाके कबूतर ख़रीदो, क्योंकि वहाँ कबूतरों के जो रेट हैं ना वो बहुत महंगे होते हैं। तो दोस्तों, आपके गाँव में या आपके शहर में जैसे कहीं कबूतर मार्केट लगती हो, जहाँ कबूतर बेचने आते हो व्यक्ति, जो बेचारे 4-4, 5-5 कबूतर ला के बेचते हैं, वो जो दोस्तों 4-4, 5-5 जो कबूतर ला के बेचते हैं बेचारे, वो सस्ता बेच देते हैं कबूतर, तो उनसे आप सस्ता कबूतर ख़रीद लो। अगर वो आपको जैसे 500 रुपये बता रहा है दोस्तों, अगर आप उसको कहोगे ना भाई मैं 300 रुपये ही दूंगा, तो वो आपको 300 रुपये में भी दे देगा कबूतर। तो दोस्तों, जो 4-4, 5-5 कबूतर ला के बेचते हैं, उनसे आप कबूतर ख़रीद के ऐसे कबूतर इकट्ठे कर लो, 4-5 कबूतर आप इकट्ठे कर लो और कबूतरबाजी की दोस्तों शुरुआत कर दो सस्ते कबूतरों से, ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों शुरुआत में ज़्यादा नस्लों के चक्कर में मत पड़ो, पंजाबी पंजाबी कबूतर के चक्कर में मत पड़ो, नस्लों के चक्करों में मत पड़ो, मद्रासी के चक्कर में मत पड़ो। शुरू में आप जो है देसी कबूतर भी ला के पाल रहे हो ना, तो दोस्तों धीरे धीरे आपकी कबूतरबाजी सही हो जाएगी। तो दोस्तों शुरू में जो है नस्लों के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो और सस्ते कबूतर ला के शुरुआत करो। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो यशु भाई ने कमेंट करा वो बहुत बढ़िया कमेंट करा कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही कमेंट आप भेजते रहे हमारे चैनल में, कमेंट हमारे आपके लिए खुले हुए हैं। और दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल आर एस एनिमल प्लानेट को सब्सक्राइब करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों हमारे कैमरामैन जो हैं राहुल जी, ये भी कबूतरबाजी की अब शुरुआत कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा बहुत बताएंगे कि ये शुरुआत कैसे करेंगे, आप इनका भी थोड़ा बहुत अनुभव ले सकते हैं। भाइयों मैं कुछ दिन पहले मैं रोहित भाई से ही एक कबूतर ले गया था। मैंने सोचा पालूंगा और इसे दाना दुना दूंगा, पर वो कबूतर बेचारा बीमार हो गया और दाना भी नहीं खा पा रहा था वो, इसलिए मैंने रोहित भाई को वापस दे दिया और वो बेचारा मर गया। भाइयों अगर आपको कबूतर पालने हैं ना, तो आप एक कबूतर मत लें, दो कबूतर मत लें, कम से कम चार कबूतर तो लें जो आप पाल सको, जो आपके दाना भी चुक सकें और उनका मन भी लग जाए कि मेरे साथी भी हैं, मैं दाना भी चुक पाऊंगा और मैं पानी भी पी पाऊंगा। उसका मन लगा रहेगा तो आपके घर कबूतर वो जिंदा रहेगा, उसकी बीमारी नहीं आएगी उसमें कुछ। और आप चाहो तो पेट्टी बनवा सकते हैं, खाने बना सकते हैं, चार खाने बनवा लो, छः खाने बनवा लो, आपको इससे बहुत फ़ायदा रहेगा। तो मेरे भाइयों आप रोहित भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, आर एस एनिमल प्लानेट को सब्सक्राइब करें, और अपनी हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।